ऐसा क्यों होता है कि हर कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव डिफरेंट पर्सनैलिटी डिफरेंट एटीट्यूड लेके सबके पास होता है एंड दैट इज़ वॉट इज द मेन रीज़न फॉर देर कि वो मतलब लाइफ में कहाँ पहुँचते हैं बट ऐसा क्यों है वाई एवरीबडी इज़ नॉट लाइक वाई द परसेप्शन इज नॉट पॉजिटिव फॉर एवरीबडी इवन इफ आई नॉट से पॉजिटिव बट परसेप्शंस

जब जैसे एक राज्य है उसका कोई राजा है किसी दूसरे राज्य के राजा ने उस पर अटैक किया और जब वहां पर उसको ऑक्यूपाई कर लिया तो वहाँ पर लोगों के साथ में क्या होता था अगर उसको हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री में तो हमको क्लियर हो जाएगा दैट वी आर करेंटली लिविंग इन द बेस्ट पॉसिबल टाइम एज फार एजर्टेबल लाइफ इज कंसर्न इतना कम्फर्ट आज से पहले कभी भी नहीं था लाइफ कम्फर्टेबल हो रही है आप सही बोल रहे हैं बट माइंड तो

तो कोई भी रेस हो चाहे वो बच्चों की हो चाहे बड़ों की हो जो भी हारता है वो रोता है बच्चों को आप देखो ना जब भी रेस होती है जो जीतता है वो खुश हो जाता है जो हारता है है वो रोता है। तो एक रेस चल रही है हम सबके माइंड में और सब कुछ और कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है एडिक्शन बहुत बढ़ है, गए हैं तरह तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में देखे जाए तो जो हमने पहले कभी सुने नहीं थे इन किड्स ऑटिज्म बहुत बढ़ गया है पहले इतने ऑटिज्म ऑटिस्ट चाइल्ड नहीं दिखते थे तो सर ये सब नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं मॉडर्नाइजेशन के एंड दिस इज काइंड ऑफ इनएविटेबल ये और बढ़ेगा अभी धीरे धीरे ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं ये और बढ़ेंगे क्योंकि अगर हम किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी को देखते हैं तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ पर क्या होने वाला है right. देखो बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि जब तक एक इंसान बिजी होता है ना कि मेरे को काम करना है अपना पेट भरने के लिए अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती तब तक सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि भाई मेरे को पैसा चाहिए ताकि मेरे को रोटी मिल जाए घर मिल जाए कपड़े मिल जाए मेरे बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिल जाए जब ये सब हो जाता है तब एक्चुअल में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू होती है रहे रहे। एक है फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम्स एक है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो फिजिकल प्रॉब्लम कब तक तक है जब तक कि फिजिकली फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम में है बट जैसे ही वो अचीव हो जाता है अब एक्चुअल में करने के लिए कुछ भी नहीं है राइट अब आपके पास में इतना पैसा है कि आप बैठे बैठे खा सकते हो और आपकी फैमिली भी खा सकती है तो आप करें क्या अब खाली हो गए और कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर तो अगर माइंड को अगर कंस्ट्रक्टिव किसी जगह पे ना लगाया जाए तो माइंड बाय इट्स वेरी नेचर इज डिस्ट्रक्टिव बिकॉज इट्स आइसोलेटेड एंड फ्रेगमेंटेड माइंड क्या है आपका एक मैं है जो औरों के मैं से अलग है तो दो मैं की आपस में लड़ाई होगी एक मैं आइडेंटिफाइड है एक ग्रुप से एक मैं आइडेंटिफाइड है किसी और ग्रुप से तो ये दो ग्रुप्स बन जाएंगे और इन दो ग्रुप्स की आपस में लड़ाई चलेगी ये ग्रुप्स फैमिली में भी होंगे फ्रेंड्स में भी होंगे सोसाइटी में भी होंगे नेशन में भी होंगे सब में होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट अभी इतना ज्यादा है कि सबके अंदर एक मैं है सबके अंदर एक राजा है right. सब रूल करना चाहते हैं right. हर लेवल पे hmm. तो यहाँ पे इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है दैट इज आई एम बिकॉज बिकॉज जस्ट ऑफ माइंड नहीं not because of mind. इसको थोड़ा सा हमको करेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बिकॉज वॉट इज माइंड आर वी कॉलिंग ब्रेन एज माइंड ब्रेन इज नॉट माइंड ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन फीडेड है जिसके बेस पर हम सोचते हैं वो माइंड है वो माइंड है सो माइंड इज थॉट माइंड इज थिंकिंग नाउ वॉट इज द रूट ऑफ थिंकिंग थिंकिंग किसके बेस पे चलती है ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो भी आपको समझ आता है उसी के बेस पे तो थिंकिंग मैं कहूंगा इसके बारे में कुछ सोच के बताओ ये जो कप है क्या सोचोगे जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन अंदर फीडेड है जो भी आपकी समझ है इससे रिलेटेड उसी के बेस पे तो सोचोगे हाँ, उतना ही बताएंगे या तो आप कहोगे अच्छा है या कहोगे बुरा है या फिर कहोगे ना ये अच्छा है ना बुरा है जैसा है सो है तो एक हो गया थिंकिंग बेस्ड अपॉन रियालिटी यानी एज इट इज देखना उसको एक है बेस्ड अपॉन जो आपकी अपनी प्रेफरेंस है mm -hmm. उसके अकॉर्डिंग देखना अपने ऑफ के अकॉर्डिंग देखना सो द मोमेंट यू स्टार्ट थिंग्स एज एज इट इज दे एक्चुअली आर जो देखना बहुत ही सिंपल है लेकिन हमको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि हमारी ऐसी आदत नहीं है राइट right. हम चीजों को एज इट इज नहीं देख सकते हम उसको उस तरीके से देखते हैं जैसे हमको सिखाया गया है जैसी हमारी ट्रेनिंग है फॉर right. एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं बड़ी आसानी से रिलेट करेंगे बायोलॉजिकली हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो कि जानवरों से अलग नहीं है mm -hmm. तो हमारे अंदर हम चाहे चाहें या ना चाहें कुछ ऐसे थॉट्स आएंगे जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है अब आप क्या करोगे एक तरफ से आपको सिखाया जा रहा है कि ऐसे थॉट्स नहीं आने चाहिए बट वो तो आ रहे हैं है. तो अब आपके अंदर आएगा गिल्ट

एट द लेवल इंडिविजुअल अब एक बहुत बड़ा क्लेश आ गया क्योंकि अगर उन थॉट्स के हिसाब से आपने एक्ट किया तो सोसाइटी आपको बॉयकॉट कर देगी राइट right, एक्ट नहीं किया तो अंदर एक कॉन्फ्लिक तो आप अपने आप को ही उल्टा बोलते रहोगे तो ये सारी की सारी जड़ है ये मैंने एक बहुत ही छोटे से एक एस्पेक्ट को टच किया है अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं उनमें से एक को ऐसे अनलिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट है और उनको एक एक करके रिजोल्व करना होता है उसको रिजॉल्व करने के दो तरीके हैं एक है आप किसी थेरेपी के लिए जाइए किसी थेरेपिस्ट के पास में वो क्या करेंगे एक एक करके देखेंगे कि आपके अंदर किस किस तरह के इश्यूज हैं अपने पास से रिलेटेड प्रेजेंट से रिलेटेड और फ्यूचर से रिलेटेड और एक एक करके उसको सॉल्व करेंगे दे विल सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो सब कुछ ट्रिगर हो रहा है अंदर वो एनजाइटी वो फियर वो थॉट्स जिसको आप नेगेटिव बोलते हो वो ट्रिगर हो रहे हैं एक तरीका ये है दूसरा तरीका है कि आप एक एक करके सॉल्व ना करें एक झटके में अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं इन वन शॉर्ट द वे आउट इज टू अंडरस्टैंड वॉट माइंड इज नॉट हाउ टू कंट्रोल योर माइंड और हाउ टू स्टे पॉजिटिव और हाउ टू चेंज योर थॉट्स दैट हाउ इज अ ट्रैप द मोमेंट यू आस्क हाउ टू समन अब वो आपको एक सिस्टम देंगे एक प्रोसेस देंगे कुछ टिप्स देंगे mm -hmm. कुछ सजेशंस देंगे जिसको आपको फॉलो करना है अब आपके माइंड में फिर से दो क्रिएट हो गए एक है जो करना चाहिए एक है जो आप एक्चुअल में कर रहे हो हुँ, हुँ, हुँ. अपने अंदर कभी आप झांक करके देखो कितना कॉन्फ्लिक्ट होता है हम सोचते कुछ और है है है। करते करते कुछ कुछ और और तो आप एक्चुअल में क्या हो जो आप सोचते हो या जो आप करते हो बच्चों को हम कहते कुछ और है करने के लिए हम खुद कुछ और करते हैं राइट right. तो इज सो मच ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जिसकी कोई हद नहीं है तो अब क्या किया जाए अब इस सबका क्या सोल्यूशन है अंडरस्टैंड वॉट माइंड इज वो किसी बुक में आपको आंसर नहीं मिलेगा खुद समझना पड़ेगा झांक करके देखो अपने अंदर तो आपको नजर आ जाएगा थॉट क्या होता है फीलिंग क्या होती है इमोशन क्या होता है उससे आप टाइम से फ्री हो सकते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम विच इज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर वंस यू अंडरस्टैंड वॉट माइंड इज दैट इज दी वे आउट अगर हमको एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो खुद से ही आएगा वो आंसर एग्जैक्टली exactly, खुद से भी नहीं आएगा कुछ जगह से हमको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी अब वो आपको फिगर आउट करना होगा कि कौन पर्सन है जो एक्चुअल में इसको फिगर आउट कर चुका है या कर रहा है और कौन है जो फेक कर रहा है फॉर एग्जांपल आप मेरी वीडियो सुनते हैं तो आप हो सकता है अपने माइंड में बोलेंगे नहीं, नहीं 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 इसको तो सब पता है हो सकता है मुझे कुछ भी ना पता हो हो सकता है मुझे सब कुछ पता हो तो वो आपको समझना है कि किसको कितना पता है कौन किस लेवल तक गया है हो सकता है बाहर से देखने में आपको लग रहा होगा कि अरे ये पर्सन तो बहुत ही सॉर्टेड है कितना पीसफुल है कितना काम है

चाहे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे वो सारे सीनियर सब है। सीनियर है सही <laughs> तो उसको तो पता ही नहीं तो आपको ढूंढना होगा ऐसे कौन लोग हैं ऐसे लोग हैं दुनिया में या थे पास्ट में जो काफी डीप में गए हैं तो वहां से आपको कुछ पॉइंटर्स मिलेंगे तो फिर आपको खुद ही अपने माइंड के अंदर झांक करके देखना होगा और आराम से स्टेप बाय स्टेप समझना होगा ये काम ना आसान है ना मुश्किल है बट मैं ये कहूंगा ये काम जरूरी है जरूरी है राइट अगर आप मानते हैं आपके लिए आसान है तो एक्चुअल में बहुत आसान है ये काम बट सर समझ समझने की जरूरत फील होनी चाहिए राइट right, वो जरूरत वो जरूरत फील होनी चाहिए अंदर से कि वो कितना जरूरी है और चाहे फील हो या ना हो जरूरी तो है ही बिल्कुल ऐसा है कि चाहे आपको जरूरत फील हो या ना हो हवा की और पानी की जरूरत तो है माइंड डिस्टर्ब है, है। इसमें कोई डाउट नहीं है किसका डिस्टर्बड है जो भी अपनी बेसिक जो नीड्स हैं फाइनेंशियल नीड्स उससे ऊपर उठ गया है उन सबका माइंड डिस्टर्ब है जिसका तो सोल्यूशन आएगा, 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 उस इंसान को फिगर आउट करना है या मुझे सोल्यूशन निकालना भी है या मुझे सिर्फ एस्केप चाहिए एस्केप क्या है छोड़ो इन सब चक्रों को नहीं है क्या है बट टेम्पर right? को आप परमानेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो वो क्या है डेली रात को ड्रिंक करो और सो जाओ राइट right.

एक है आप वहाँ जियो जो और लोग आपके बारे में सोचते हैं वो एक और वहां जी रहे हैं आपके, वो वो आपके मुंह पे कोई थोड़ी ना बोलेगा जो सच है वो तो पीछे से वो आपस आप में बात करेंगे ना राइट 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 एंड उनके पास में टाइम कहाँ है आपके बारे में कुछ भी सोचने का राइट राइट बट सब ही जी रहे जी रहे तो आप पेरेंट्स के लिए पढ़ाई करते हो आप uh, fam, जो भी करते हो दूसरे के लिए ही कर रहे होते हो आई थिंक योर लाइफ बहुत स्मॉल पोर्शन होता है जब आपको मिलता है कि आप अपने लिए कुछ सोच रहे हो कर रहे हो नहीं हम बोलते हैं कि हम इसके लिए कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं करते हैं हम सब कुछ अपने लिए राइट राइट एट दी सेंटर अगर मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर रही हूँ तो इसलिए नहीं कर रही कि मेरे को उस बच्चे की पड़ी है इसलिए क्योंकि वो मेरा बच्चा है हाँ, मेरा बच्चा है क्योंकि अगर वो किसी और का बच्चा है तो मैं उसके लिए नहीं करूंगी राइट राइट मैं उस इंसान के लिए कर रही हूँ इसलिए नहीं कि मेरे को उस इंसान की पड़ी है क्योंकि वो इंसान मेरा पति है या पत्नी है अगर वो किसी और का पति है किसी और की पत्नी है मेरे को उसकी नहीं पड़ी है या उसका कहीं बाहर अफेयर है तो मेरे को उसकी नहीं पड़ी है मैं कहूँगा भाड़ में जाओ तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी जॉब पर भी जो हम काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सैलरी मिल रही है कल अगर सैलरी मिलना बंद हो जाए तो ये जो है ना कि आई लव माई वर्क और ये वो सब खत्म <laughs> तो जो भी हम करते हैं वो करते हैं, खुद के लिए ही है right. लेकिन हम बिल किसी और के नाम पे फाड़ देते हैं कि हम ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं ये बहुत कॉमन है इंडिया में फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी है उसके अपने ड्रीम्स हैं अपने एम्बिशन हैं या वो बहुत ही ज्यादा ग्रीडी है और पैसे के पीछे वो पागल है तो वो पैसे के पीछे भाग रहा है अपनी फैमिली की तरफ उसका ध्यान भी नहीं है लेकिन वो फैमिली को आकर के क्या बोलेगा कि किसान तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं वो उनके लिए नहीं कर रहा है वो खुद के लिए कर रहा है क्योंकि फैमिली को तो वो चाहिए ही नहीं फैमिली तो कह रही है हमको तो आपका टाइम चाहिए हमको तो पैसा चाहिए ही नहीं बट अगर उसने ये बोल दिया तो अपनी नजरों में गिर जाएगा ना अपनी नजरों में भी और औरों की नजरों में भी नहीं, नहीं, नहीं। तो वो गिरना नहीं चाहता है वो गलत प्रूफ नहीं होना चाहता और वो दूसरों है दूसरों को ये दिखाना चाहता है कि मैं कितना पैसा कमा सकता नंबर वन मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ दूसरा वो ये दिखाना चाहता है कि मैं कितना अच्छा पति हूँ मैं कितना अच्छा बाप हूं मैं कितना अच्छा इंसान हूँ देखो मैं सोसाइटी के लिए भी कितना कुछ करता हूँ तो वो क्या करेगा अगर कहीं चैरिटी भी करेगा तो चुपचाप नहीं करेगा

तो परफेक्शन इज इन इट सेल्फ इज वुड से एंड यू अग्रीड तो ये एक आपके लिए एक स्ट्रगल नहीं होता है कि आप इसको कैसे हैंडल करते हैं देखो इसका एक प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है माइनस पॉइंट क्या है कि आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है बिकॉज hmm.

not just for the स्ट of दैक ऑफ इट बट एक्चुअली यू वॉन्ट टू गो एट दूट ऑफ एवरी थिंग अगर आप एक प्रॉब्लम सोल्व करोगे तो टेम्प्री बेसिस नहीं करोगे root से. पहले हमको perfectionist की भी definition देखनी पड़ेगी क्या होती है hmm. अगर हम परफेक्शन समझते हैं जो एक काम को बड़े अच्छे से करता है तो वो perfectionist नहीं है hmm. perfectionist मतलब कौन? वो काम को इस तरीके से डेलीगेट कर देता है या काम को इस तरीके से कर देता है कि दोबारा उसको काम करने की जरूरत ही ना पड़े hmm. जब तक वो नहीं हो जाता तब तक वो उस काम को छोड़ता नहीं है क्योंकि अगर वो एक काम में ही फंसा रह गया पूरी जिंदगी और उससे आगे बढ़ ही नहीं पाया तो उसको परफेक्शनिस्ट थोड़ी कह सकते हैं राइट राइट परफेक्शनिस्ट मतलब कि उसने उस काम का जो फाइनल जो गोल है उसको अचीव कर लिया वो गोल क्या है उस काम को ही खत्म कर दिया ऑफ mm वर्क -hmm. तो ये आपको ये जो माइंड की अभी हम बातें कर रहे हैं इतनी देर से इसमें बड़ा हेल्प करता है बिकॉज एक है सुपरफिशियल लेवल के सोल्यूशन जो उन लोगों के लिए है जो परफेक्शनिस्ट नहीं है यानी क्या उनको क्या चाहिए शॉर्टकट चाहिए उनको चाहिए कि अरे इतनी बातें मत करो आप मेरे को ये बताओ मुझे करना क्या है डेली <laughs> कितनी देर मेडिटेशन करनी है और कैसे करनी है क्या करनी है आज आप एक से पूछोगे फिर दूसरे से पूछोगे फिर तीसरे से पूछोगे तीनों अलग अलग बातें बताएंगे फिर आदमी कंफ्यूज होकर बैठ जाएगा अब मैं क्या करूं कोई बताएगा कुछ और वो करेगा कुछ और राइट राइट अंदर एक नया कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया पहली लाइफ में छत्तीस प्रॉब्लम थी स्पिरिचुअलिटी में वेरी रूट ऑफ विल नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस दैट जब तक आप माइंड के सच को नहीं देख लोगे खुद के सच तक नहीं पहुंच जाओगे एट द डीपेस्ट लेवल ऑफ योर बींग तब तक आप नहीं रुकोगे तो आप एक परफेक्शनिस्ट हो तो वो तो कभी होगा नहीं ना क्यों नहीं होगा होगा होता है और वही एक सोल्यूशन है इतनी देर से मैं यही तो कह रहा हूं कि वही एक परमानेंट सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है यू नीड टू गो टू द वेरी एंड ऑफ थॉट कि थॉट कहां से पैदा होता है कहां जाता है क्या थॉट ही सब कुछ है क्या मैं एक थॉट है या थॉट से पहले भी मैं एग्जिस्ट करता हूँ

डीप <laughs> तो जब इस तरह से हम देखने लग जाते हैं चीजों को uh -huh. तो वी गो टू द वेरी रूट ऑफ एग्जिस्टेंस कि लाइफ क्या है डेथ क्या है और फिर उसके बाद में आगे क्वेश्चन करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है राइट राइट यू गो टू द वेरी एंड ऑफ क्वेश्चनिंग बिकॉज यू आर हैव यू गॉट दैट ऑल इन योर लाइफ मैं कुछ भी कहूं फर्क क्या पड़ता है <laughs> हो सकता है मैं सच कहूं हो सकता है झूठ बोलू मैं अपने मुंह से क्यों बोलूंगा जो भी बोलूंगा

one of the those masses so if i ask you what in, in in the uh, in a scale of 1 on 10 if you say 10 if you rate 10 so that means you have achieved everything there is no scope for uh, further आप ये कह सकते हैं मैं ये रेटिंग नहीं करूँगा 1 टू 10 और ये सब कुछ मैं बस ये कह सकता हूँ कि आई हैव रीच्ड द एंड ऑफ क्वेश्चनिंग कि अब आगे और क्वेश्चनिंग करने के लिए कुछ बचा नहीं है अच्छा

स्प्रेड आउट हाँ, करना मतलब चाहते हैं आप ये कह सकते हैं कि भाई कि अगर कोई जेनुअनली कुछ समझना चाहता है या चाहती है तो अगर उनके पास में कोई एक्चुअल में कोई क्वेश्चन है तो जिस भी लेवल का जो भी क्वेश्चन है अगर उससे रिलेटेड मेरे पास में एक्सपीरियंस है और अंडरस्टैंडिंग है तो मैं जवाब दे सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल माइंड थाट्स फीलिंग्स इमोशंस बियॉन्ड दैट क्योंकि ये तो सब आपके पास भी है मेरे पास भी है बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जिससे रिलेटेड मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं बोल दूंगा मेरे को नहीं पता फॉर एग्जाम्पल कि भाई जॉब में क्या करते हैं कैसे करते हैं मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी जॉब करी नहीं बट right, बिजनेस right. के बारे में पूछेंगे तो मैं बता सकता हूं। mind के बारे में पूछेंगे तो मैं बता सकता इसको सेशन को यहाँ पे एंड करता हूँ कि ये मत पूछिए हाउ टू कंट्रोल माइंड पॉजिटिव और ये वो ये हाउ को हटा दीजिए ये पूछिए अपने आपसे वाइंड माइंड है भी या नहीं है हो सकता माइंड हो ही ना कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ऐसे भूत से लड़ने के लिए आप एक रास्ता ढूंढ रहे हैं जो भूत एक्चुअल में है ही नहीं राइट 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 वॉट इज माइंड अगर माइंड है तब तो कुछ करना पड़ेगा ना माइंड मतलब क्या थॉट ब्रेन तो है बट ये थॉट क्या है अगर उसके सच को हम देख लेते हैं इफ इट इज जस्ट फॉर द नेम सेक नेम गिवन टू अ थिंग इज जस्ट अ वर्ड तो अब वो रहे या ना रहे उसे फर्क पड़ता है कुछ भी चलता रहे अंदर उसे फर्क क्या पड़ता है दैट इज फ्रीडम फ्रॉम थॉट फ्रीडम फ्रॉम माइंड ग्रेट इनसाइट सर थैंक यू सो मच मोस्ट वेलकम जी